बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के सबसे मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी फिल्म सिम्बा रणवीर सिंह के करियर की सबसे हिट फिल्मों में से एक है। फिल्म ने ना केवल रणवीर सिंह की स्थिति को एक बड़े नायक के रूप में मजबूत किया और पुलिस जोनर की फिल्मों में उनकी धमाकेदार एंट्री करवाई, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर 240 करोड़ की बम्पर कमाई करने में भी कामयाब रही। अब ताज़ा खबरों की अगर माने तो रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी दोबारा एक साथ बड़े पर्दे पर नज़र आने वाले हैं। ये एक कॉमेडी फिल्म बताई जा रही है। रोहित ने लॉकडाउन में इसकी स्क्रिप्ट पर काम किया। इसका बेसिक आइडिया उन्होंने रणवीर सिंह से साझा किया है। ऐसा माना जा रहा है कि रणवीर सिंह इस फिल्म के लिए अब काफ़ी एक्साइटेड हैं। बताया जा रहा है कि रोहित शेट्टी गोलमाल फ्रेंचाइजी और पुलिस यूनिवर्स से बाहर आकर अब कुछ अलग करना चाहते हैं और लॉकडाउन में उन्हें एक आउट एंड कॉमेडी स्क्रिप्ट पर काम करने का मौका मिल गया। जब उन्होंने रणवीर सिंह के साथ इस विचार का शेयर किया तो अभिनेता भी इसे लेकर उतने ही उत्साहित थे जितने कि खुद रोहित शेट्टी। खबरों के अनुसार रणवीर सिंह की ओर इशारा से मिलने के बाद रोहित शेट्टी अपने लेखकों की टीम के साथ दिन रात काम कर रहे हैं। साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि फिल्म निर्माता के पास गोलमाल का प्लॉट भी तैयार है। वे फिल्म की शूटिंग सूर्यवंशी की रिलीज के ठीक बाद शुरू करने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण योजना ठंडे बस्ती में चली गई। गौरतलब है कि रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी इससे पहले सिम्बा में साथ काम कर चुके हैं। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता का बहुत बड़ा परचम लहराया था। सिम्बा ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 240 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। अब रणवीर सिंह जल्द ही रोहित शेट्टी की कॉपी फिल्म सूर्यवंशी में भी कैमियो रोल में नजर आएंगे। एक वेब पोर्टल के मुताबिक रोहित जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। SPN 9 न्यूज़ रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।